दीवानी न्यायालय गेट के स्टैंड के पास शुक्रवार को ही हत्या के बाद रविवार को एडीजी जोन अखिल कुमार ने जिला जज के साथ दीवानी परिसर का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि शुक्रवार को दीवानी गेट के पास हुई युवक की हत्या के बाद जिला जज के साथ दीवानी परिसर का गहनता से जांच किया गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान दीवानी के सभी गेटों का निरीक्षण किया गया तथा दीवानी में अंदर आने वाले सभी गेटों को बारीकी से देखा गया है। उन्होंने कहा यहां पर पार्किंग की समस्या सामने आई है, जिसको देखते हुए रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा और समीक्षा करके इस पर सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा दीवानी परिसर की सुरक्षा को कड़ा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंट श्याम देव बिंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा यही सबसे बड़ी समस्या बड़े गेट तीन है। गेट रेट पहली चीज तो सर इस पर कोई सहमति हो सकती है कि गेट लिमिटेड कर दिए। हाँ ये यही तो अध्यक्ष जी हमारे हैं तो हम लोग सपोर्ट कर देंगे। तो जाना इनको है, लिटिगेंट्स को है। ये लोग बड़ा गंभीर है, हर जगह देखिए मॉर्चुरी में गए, साथ साथ हर जगह गए। आदमी यही तय करिए वो तो हिसाब का था। वो जो उस दिन घटना हुई धीरे धीरे जानकारी हो रही है वो मारने वाला वो तो एडवेंट था बिल्कुल। सर वो अगर वो गोली अगर मार दी तो क्लियर नहीं होना। गाड़ी लेके आते हैं नहीं तो इसी से गाड़ी लगा के वापस आए वापस आएंगे। आप देखिए आप खुद या तो बाहर उतारिए गाड़ी को, चेक करो गाड़ी, चेक करो फिर अंदर आओ। उसके साथ सीसीटीवी लग जाए, सीसीटीवी चलाया उसको आते हुए दिखाई दिया, गेट को बंद करते हुए दिखाई दिया, दौड़ रहा है, फिर पुलिस के लोगों ने जाके पकड़ा उसको। वो भी दिख रहे नॉन एंट्री का टाइम कितना हो जाए नहीं हो पाए कोई भी व्यवस्था बना बस जाएगा यहाँ से कभी से कभी तो कोई चेकिंग पॉइंट होगी एंट्री पॉइंट पर जीवर रुकना पड़ेगा जहाँ से एंट्री फेस पॉइंट वहाँ से आते रहे वहाँ चेकिंग होता है डी एफ एफ लग गया और बैग स्कैनर लग गया कितने बैग स्कैनर लग गया तो नगर निगम के साथ पूरा निर्णय वो आप बताइए ये एक पॉसिबिलिटी या करना ही पड़ेगा। यहाँ कितनी सब्जी के गेट है गाड़ी तो इसी में जाती है, कारें नहीं, केवल टू व्हीलर आएंगे सर अंदर जाएंगे लगा के
इसी से अधिकार है, आपके पड़ोस का मामला है, ये लोग आपको हो ऐसा कहते हैं कि भाई वो हमारे घर के बगल के हैं, पहले यहाँ समस्या दूर करें। दो चार दिन ये गाड़ी लगाएंगे और पता लगेगा। बाहर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एक दो दिन में कर सकते हैं। सबसे यहाँ से होगा अगर आप टोटल ये कार अगर वो भी इतने बड़ा बड़ा हो तो मिल जाते हैं बताइए। बाहर देख सकते हैं प्रभारी तो यहाँ के थे, बड़ू ना खाना नहीं, वो तो सस्पेंड हो गए सर, सस्पेंड हो गए भाई। अध्यक्ष जी कोई सभी होता है कोई होता भाई। हाँ दरअसल कई बार कहाँ से गया के सामने कैंटीन है उसका सर वाले अंदर से हाथ से तो इतने पहुँच गया था सर की कोई समस्या भाई और साहब वही सुखा हो जाएगा कोई नहीं कोई परेशानी नहीं है ना, खत्म है अब ये इम्प्लीमेंट ये जो करना है सर कल से करानी है कल हो जाए। अरे कल में भी मीटिंग का करना है, एक बार बता लेकिन करना वही है जो हमको आपको ना वो मान लीजिए मीटिंग करते हैं तो क्या क्या करेंगे ये बता देंगे कि हमारे अधिवक्ता भाई के पास सुरक्षा के लिए पुलिस की सहयोग चाहिए और न्यायालय में न्यायालय का हम लोगों को कोऑपरेशन चाहिए, यही ना है। तो इसको देखना है कि कितना अपने अधिवक्ताओं को ये संयमित अनुशासित रख सकते हैं, क्योंकि अगर झगड़ा करेंगे मारपीट करेंगे हमारे पुलिस के लोगों से तब दिक्कत हो जाएगी। अरे अभी हमारे अधिवक्ता ये भी अननेसेसरी चीज़ है, 20-25-50 लोग आते होंगे मुश्किल से, 10 कदम घूम के आवें क्या दिक्कत है। ये सब नहीं, आप सहयोग किए थे, ये है कोऑपरेटिव, लास्ट टाइम दोनों लोगों का सहयोग था, हम लोग बंद किए थे। तो कल इस पर भी आप चर्चा कर लीजिए, कल के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे, हम बता दे रहे हैं सुरक्षा से अब हम कोई मुरव्रत नहीं करेंगे। किसी अधिवक्ता को अगर एक भी छर्रा लगा तो हम जवाब कैसे देंगे हाईकोर्ट, सोचिए। सुरक्षा में अब एकदम हम मुरव्रत नहीं करेंगे, आप लोग बात करके कर लेंगे। एक बार सर कंडीशन किया गया क्या दिशा निर्देश? जी, जिला जज साहब ने अनुरोध किया था कि एक बार समीक्षा हो जाए और उनके साथ हम लोगों ने पूरा परिसर का सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, थोड़ा आसानी था, कहाँ कहाँ क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ एक्सेस होना चाहिए, कहाँ से एक्सेस को बंद करना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए, उस विचार में विचार विमर्श हुआ है। थोड़ा पार्किंग का भी विषय आया है कि पार्किंग में दिक्कतें हो रही है, इन समग्र विषयों को फिर हम लोग मैं अपने स्तर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास भेजूंगा और समीक्षा करके उसमें सुधार करेंगे। कई निर्णय जिला जज साहब को एक स्तर से होने हैं, उन्होंने निर्णय भी ले लिए हैं और बहुत सार्थक निर्णय होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनके पालन करने से सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।